नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद संजीव सर एंड क्लास 24 पर। आप सभी लोग जानते हो 1 से लेकर के 13 तारीख तक सीजीएल का एग्जाम था, फर्स्ट स्टेज। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 1 तारीख को एग्जाम हो गया होगा। अच्छा गया है तो 2-4 दिन बड़े खुशी रहे होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे क्या पढ़ना है, पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं कट ऑफ ऊपर चली गई तो मुझे तो मेंस देना ही नहीं है, ज्यादातर की सोच यही होगी। लेकिन क्या एक बार मेंस ना देने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या एक बार मेंस ना देने से आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या एक बार मेंस ना देने से आप जिंदगी में तरक्की कर ले जाएंगे? अरे यार, मेंस देना क्यों नहीं है? अगर पेपर अच्छा गया है तब तो देना ही है, नहीं अच्छा गया है तो अगली बार देना है मेंस। सपने पूरे नहीं करने, क्या इस बार अच्छा नहीं गया तो फिर मेंस कभी नहीं देंगे? क्या करोगे फिर? यूपीएससी तोड़ोगे? सीजीएल नहीं टूट रहा, यूपीएससी कैसे तोड़ोगे? तो ये जो गलती करते हो ना टाइम बर्बाद करने की, टाइम को यूटिलाइज ना करने की, इस गलती से बच लो। अब सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस ये नाम के लिए रह गए हैं, पैटर्न सबका सेम मिलेगा। अभी आ रहा है 25 जनवरी को एमटीएस, देखिएगा वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो अगर ये गलती आपके दिमाग में भी घूम रही है, ये सोच आपके दिमाग में भी चल रही है, तो इसे बाहर निकाल दो, जितना जल्दी होगा फायदे में रहोगे, अदरवाइज नुकसान आपका है, आपके सपनों का है, और फिर नुकसान ही नुकसान है। पढ़ो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ, मेंस देना है। अगर पेपर अच्छा गया तो मेंस की तैयारी करो ही करो, नहीं भी अच्छा गया तब भी तैयारी करो ताकि अगली बार बाउंस बैक कर सको। क्लासेस आपके लिए चल रही है, इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहो। अवतार बैच आपके लिए आया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, और सीएचएसएल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे। थैंक यू, जय हिंद।